बच्चों सुप्रभात। आपको जब किसी हॉल या ग्राउंड में बुलाया जाता है तो आप किस स्थिति में खड़े होना है आपको, इसकी हम जानकारी देंगे। सबसे पहले सूचनात्मक आदेश होगा, उसके बाद आपको आरम्भ की स्थिति में आकर पंक्ति में खड़ा हो जाना है। आरम्भ की स्थिति क्या है इसकी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। आरम्भ की स्थिति में दोनों पैर बगल में, दोनों पैर की बीच की दूरी 12 इंच की लगभग होनी चाहिए और दोनों हाथ पीछे, बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर और अंगूठा इस तरह से बिल्कुल सीधी, हाथ सीधी रहना चाहिए, हाथ सीधा रहना चाहिए और सीना तना हुआ, दृष्टि सामने, ये है आरम्भ की स्थिति। फिर से बता दे, आरम्भ की स्थिति दोनों पैर की बीच की दूरी में, दूरी 12 इंच की होनी चाहिए और दोनों हाथ पीछे, बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर बिल्कुल सीधा, सीना तना हुआ, दृष्टि सामने, ये है स्थिति आरम्भ की। अब है दक्षा। दक्षा की स्थिति क्या है? दक्षा में दोनों एड़ी सटी हुई, बीच में 6 इंच की दूरी होनी चाहिए, दोनों पंजों के बीच 6 इंच की दूरी होनी चाहिए, यानी कि 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए, दोनों हाथ की हल्की मुट्ठी खुली हुई, ऐसे नहीं ऐसे, और अपने शरीर से चिपका हुआ, सीना तना हुआ, दृष्टि सामने और बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है, यह है सावधान की स्थिति, दक्षा की स्थिति। दक्षा को सावधान भी बोलते हैं, आरम्भ को विश्राम बोलते हैं। अब इसका हम आदेश देके आपको हम दिखाते हैं। सावधान क्ष आरम्भ, ये हुआ आपका दक्षा और आरंभ। आज फिर आगे हम करेंगे बामवृत्ता और दक्षिणवृत्ता, बामवृत्ता और दक्षिणवृत्ता। बामवृत्ता क्या है? पहले सावधान की स्थिति में, अब हमको बाएं मुड़ना है, बामवृत्ता बाएं मुड़ना है तो बाएं मुड़ने, बाएं तरफ मुड़ेंगे, बाएं पेड़ की, बाएं पैर की एड़ी और दाहिने पैर की, दाहिने बाएं पैर की एड़ी और दाहिने पैर की पंजा इस तरह से, और फिर इसको मिलाना, एड़ी से मिलाना है। फिर से हम बताते हैं, बाम पृथक, बाएं पैर की एड़ी और दाहिने पैर की पंजा मुड़ेगा और फिर दाहिना पैर आकर बाएं पैर से मिलेगा, यह हुआ बाम वृत्त यानी बाएं मुड़ना। दक्षिण वृत्त में दाएं पैर की एड़ी और बाएं पैर की पंजा, फिर से बता दें, दाएं पैर की एड़ी और बाएं पैर की पंजा घूमेगा और बायां पैर आकर के दाहिने पैर से मिल जाएगा, और सावधान की स्थिति में ही रहेंगे, जिस तरह से दक्षा की स्थिति में हम थे उसी तरह से खड़े हो जाएंगे। अब बामवृत्ता और दक्षिणवृत्ता एक बार अभ्यास कर लें।
बामा वृत्त एक एक दो 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 ये हुआ बाम वृत्त। अब है दक्षिण वृत्त। मेरे लिए आदेश है दक्षिण वृत्त एक एक दो दक्षिण वृत्त एक एक दो दक्षिण वृत्त एक एक दो दक्षिण वृत्त एक एक दो। तो अभी क्या हुआ दक्ष आरवा बाम वृत्त और दक्षिण वृत्त ये चार आपको हम बताए हैं। आगे का है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में आपको हाफ टर्न होना है यानी पीठ के पीछे आपको जाना है। ध्यान रहे कि आप जब भी अर्धवृत्त का आदेश होता है तो दाहिने तरफ से ही मुड़ना है बाएं तरफ से बिल्कुल नहीं। दाहिने तरफ से ही मुड़ करके आप अर्धवृत्त होंगे। अब हम बताते हैं दाहिने तरफ से मुड़ना है अर्धवृत्त एक एक दो दाहिने पैर की एड़ी और बाएं पैर की पंजा अर्धवृत्त एक दाहिने पैर की एड़ी और बाएं पैर की पंजा और फिर आकर के बायां पैर दाहिने पैर से मिल जाएगा और सावधान की स्थिति में हम हो जाएंगे। मेरे लिए आदेश है दक्षिण सॉरी अर्धवृत्त एक एक दो अर्धवृत्त एक एक दो अर्धवृत्त एक एक दो अर्धवृत्त एक एक दो ये हुआ अर्धवृत्त। अभी क्या होता है दक्ष आरमा बाम वृत्त दक्षिण वृत्त और अर्धवृत्त। अब दो इसमें और है दो है बामार्ध वृत्त और दक्षिणार्ध वृत्त। बामार्ध मतलब आधा बाया मुड़ना है। दो बामार्ध मिलकर के एक बाम वृत्त होता है और दो दक्षिणार्ध मिलकर के दो दक्षिण वृत्त होता है। तब हम इसको बताते हैं बामार्ध वृत्त एक एक दो बिल्कुल हल्का एकदम आधा टर्न करना है और फिर एक बार और बाएं मुड़ेंगे बाम वृत्त हो जाएगा। बामार्ध वृत्त एक एक दो ये हुआ दो बामार्ध हुआ एक बाम वृत्त हुआ। अब है दक्षिणार्ध वृत्त बाएं मुड़े थे अब दक्षिण यानी दाहिने की तरफ मुड़ेंगे। दक्षिणार्ध वृत्त एक एक दो उसी तरह से जैसे बाएं बाम वृत्त में किए थे बाएं दाहिना पैर की एड़ी और बाएं पैर की पंजा आपस में आकर के दक्ष की स्थिति में होगा। बामार्ध वृत्त एक एक दो अब इसको हम दो बार और कर देते हैं बामार्ध वृत्त एक एक दो बामार्ध वृत्त एक एक दो दक्षिणार्ध वृत्त एक एक दो दक्षिणार्ध वृत्त एक एक दो। आज का विषय था दक्ष आरमा बाम वृत्त दक्षिण वृत्त अर्धवृत्त बामार्ध वृत्त और दक्षिणार्ध वृत्त ये आज के विषय थे। नमस्कार।